हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा गाइस। एंड अभी कुछ बजे हैं अराउंड 10:30। एंड आज है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डे फॉर मी, नहीं थोड़ा सा नहीं बट बल्कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है मेरा एंड मेरे डैड का भी, बिकॉज आज है मेरे डैड की रिटायरमेंट एंड हम सभी लोग फैमिली वाले जाने वाले हैं रिटायरमेंट फंक्शन में। सो एक्चुअली वहाँ कुछ क्या ऑर्गेनाइज किया है वो तो मेरे को मालूम नहीं है, बट आज है रिटायरमेंट तो हमको जाना पड़ेगा डैड को लेने के लिए। एंड इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आवर फैमिली, बिकॉज वहाँ पे वर्क करते हुए मेरे डैड को मोर देन 35 ईयर्स हो चुके हैं एंड मेरे डैड ने अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई है वहाँ से 35 ईयर्स से ज़्यादा। एंड अभी आज है रिटायरमेंट, सो जाना पड़ेगा वहाँ पे एंड जाएंगे एंजॉय करेंगे सभी फैमिली वाले। एंड सभी लोग तो नहीं आ रहे हो बट मैं, मेरी मम्मी, सिस्टर और ये सभी लोग जा रहे हैं, बट शायद से तेजस भी ज्वाइन करेगा हमें एक आध घंटे के बाद, बिकॉज काफ़ी दूर जाना है सूरत, यहाँ से काफ़ी दूर है एक्चुअली। एंड तेजस भी कुछ काम में अभी सुलझा हुआ है तो वो भी शायद आए या ना आए, कोई मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है अभी तो, बट मेरे को वहाँ पे कुछ शूट करना है एंड आप लोगों को बताना भी है कि वहाँ पे मैं रहता भी था एक्चुअली। एंड मैं कुछ तकरीबन एक साल तक रहा हूँ वहाँ पे एंड मैंने काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है वहाँ पे। सो आप लोगों को हर एक चीज़ भी दिखाऊंगा वहाँ पे एंड आप लोगों को रिटायरमेंट फंक्शंस के जो करते हैं वहाँ पे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज। सो आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो हमारे लिए, बट आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा ये इस चीज़ में, बिकॉज आज कोई भी कार के ऊपर तो नहीं होने वाला है वीडियो, बट आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा सब कुछ एंड आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे मेरी ये खुशी में एंड आप लोग भी शामिल होंगे एंड अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग सूरत। तो गाइज अभी तो हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में सभी लोग एंड अभी तो रास्ते से फूल और ये सब कुछ ले लिया है। तो हम किधर जा रहे हैं हम लोग आज? सूरत। क्यों? क्यों? उधर जाके पता चलेगा, है ना? हाँ। तो चलते हैं अभी सूरत। सो फाइनली गाइज आ चुके हैं हम लोग सूरत एंड आप लोग देख सकते हैं कार भी हमारी इधर पार्क कर दी है हम लोगों ने। अभी वेट कर रहे हैं डैड का, बिकॉज अभी डैड है ड्यूटी पे, सो डैड को कुछ घंटे लगेंगे अभी आने में, तब तक हम लोग इधर टाइम पास करेंगे फैमिली के साथ। फैमिली वाले सभी लोग ऊपर रूम पे चले गए हैं एंड थोड़ी देर में सब कुछ कंप्लीट करते हैं देन निकलते हैं घर की तरफ, बट अभी तो काफ़ी सारी प्रोसेस और ये सब भी बाकी है। एंड गाइज देख सकते हैं अपनी सिंड्रेला इधर पार्क हो चुकी है अच्छे से एंड आप लोग अभी देख लीजिए टैग अपना वंडरिंग लाइन का भी आ चुका है। एंड अच्छा हुआ कि धूप में नहीं खड़ी करनी पड़ी, अच्छा सा पार्किंग मिल गया इधर, वही बड़ी बात है, बिकॉज धूप में इसको पार्क करना मेरे को तो काफ़ी अंदर से दर्द होता है, दिल में दर्द होता है धूप में पार्क करने के लिए। सो गाइज अभी तो मैं और ओम निकल चुके हैं हम दोनों यहाँ पे सब कुछ देखने के लिए जगह एंड सभी मेमोरीज अभी आप लोगों को भी दिखाता हूँ, बताता हूँ एक्चुअली कि क्या क्या है इधर। एंड अभी चलते हैं हम लोग आगे एंड पूरा राउंड लगा के आते हैं, पहले तो हम पूरा कैंपस घूम रहे हैं। एंड एक्चुअली माय फादर वर्क्स इन SRP स्टेट रिजर्व पुलिस, सो ये पूरा स्टेट रिजर्व पुलिस का एरिया है। उन्होंने पूरा चक्कर तो लगा लिया है बट अभी थोड़ा सा ओम को देखना है आगे। तेरे को क्या देखना है इधर ओम, कैमरे में आना अच्छे से, क्या देखना है तेरे को आगे? आगे क्या है? लगता है ग्राउंड है। ग्राउंड ही है ना, लेकिन कैमरे में आने के लिए पीछे बैठना पड़ेगा तेरे को, उधर खड़ा मत रहे। ऐसे आ गया ना अभी तू? हाँ। आज नहा के नहीं आया ना तू? अरे का तू नहा के आया था? हाँ। अरे मेरे को लगा कि तू नहा के बिना ही आ गया। सो गाइस अभी तो आगे जा रहे हैं हम लोग एंड अभी आप लोगों को आगे वहाँ पे स्पोर्ट्स का सभी ग्राउंड और ये सब कुछ भी है। वहाँ पे मैं खेलता भी था जब भी इधर छोटा था, एंड आता था मेरे डैड के साथ, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। एंड अभी आगे से टर्न ले लेते हैं एंड बिकॉज आगे रास्ता बंद भी है, सो आगे घूम के निकल जाएंगे हम लोग। अंधेरे को भी दिखाता हूँ मैं किधर खेलने आता था। हाँ दिखा है ना तेरे को ग्राउंड और ये सब, है ना? अभी कुछ बोलना कैमरे में, वैसे तो बहुत बड़बड़ करता है तू, क्यों नहीं बोल रहा आज? मेरे को देखना है इसीलिए, वैसे तो काफी शर्मा रहा है ऐसा लगता है मेरे को तो आज। क्या नहीं? सो गाइज अभी तो आ चुके हैं कार के बाहर एंड आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक स्कूल भी है जो कि गुजराती मीडियम स्कूल है शायद से,
या सिर्फ गुजराती मीडियम स्कूल है, नहीं पूरी गवर्नमेंट की स्कूल है जो ऑर्गेनाइज करते हैं SRP स्टेट रिजर्व पुलिस वाले ही। एंड अभी तो सामने है गार्डन, वहाँ पे मैं खेलने के लिए आता था जब भी छोटा था, तो अभी आप लोगों को वहाँ पे भी ले जाता हूँ एंड इसको भी थोड़ा सा खिलवा के आता हूँ। खेलना है ना तेरे को इधर, तू नहा के नहीं आया, बट वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाँ क्या, तभी इसके ऊपर बैठ जा अभी, चल अच्छे से, है ना। हम इसको क्या बोलते हैं? इसको राइड कहते हैं। कैसी राइड? झूलने वाला स्विंग, बड़ा वाला स्विंग है ना, मैं भी बैठ सकता हूँ ना इधर। तो इधर अभी तू इधर ही रहेगा ना थोड़े दिन, तेरे को इधर ही छोड़ के जाते हैं हम लोग। नहीं इधर ही, इधर नहीं रहना तेरे को, अकेला रहना है। नहीं अकेला नहीं। तो किसके साथ रहने का है? तेरे साथ। मेरे साथ? अच्छा, इधर दूसरी भी सब कुछ है यहाँ भी, ये भी देख ले, जहाँ भी खेलना है खेल ले। आज लास्ट दिन है अपना इधर, है ना। आएगा वैसे तो, आना चाहता है इधर दूसरी बार? कभी आएगा, अभी दिवाली पे घूमने आएंगे, है ना हम लोग। तो गाइस अभी आप लोगों को पूरा ग्राउंड भी दिखा, तो यहाँ पे सब कुछ, सभी लोग परेड और ये सब कुछ भी करते हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हैं सामने ग्राउंड, शायद से उधर शूटिंग अलाउड नहीं होगी तो मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं करना है मेरे को। बट वहाँ पे भी मैं आता था खेलने के लिए जब भी छोटा था मैं, कुछ होगा शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में, तभी इधर रहने आए थे हम लोग। एंड ये सब भी स्टोरी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही बताता हूँ। सो अभी मैं भी ओम के साथ ऊपर स्विंग पे बैठ गया हूँ एंड अभी आप लोगों को पूरी स्टोरी दिखा बताता हूँ एक्चुअली। सो इधर से लाइट नहीं अच्छी आ रही होगी तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा उस साइड, वो काफ़ी डर लगता है मेरे को तो इधर। तेरे को डर नहीं लगता ओम? क्यों? ना तू रोज खेलता था स्कूल में, स्कूल डेज। अभी तेरी स्कूल नहीं है ना, घर पे ही है तू। इधर था पहले? अभी ये भी में जा रहा है। अच्छा, लेकिन तेरे को तो पढ़ाई पसंद है ना, ऑनलाइन ही पढ़ाई पसंद है ना तेरे को? नहीं। तो ऑफलाइन क्लास में जाने का मजा आता है ना। गर्लफ्रेंड होगी ना तेरे स्कूल में? नहीं, 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 नहीं। So guys, अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं कार में, बिकॉज बाहर काफी गर्मी हो रही है एंड अभी जा रहे हैं दूसरे कैंपस में। लाइक वहाँ पे फुटबॉल कोर्ट है एंड बास्केटबॉल ये सब कुछ है, तो वो देखते हैं आगे, बिकॉज वैसा का वैसा है कि चेंज किया गया है शायद से। मेरे को लगा कि अभी तो बंद पड़ा हुआ है, बिकॉज कोविड के टाइम से सभी चीज़ें यहाँ पे बंद रहती थी वैसे भी। सो देखते हैं आगे जाके। एंड ये रही स्कूल, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई दी। ओम इधर स्कूल भी है ना, मैं इधर स्कूल में भी आया था एक बार। यस। सो गाइस अभी सामने ही है पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है सब, वो भी आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। सो गाइस ये रहा आगे बास्केटबॉल कोर्ट एंड इधर बैडमिंटन और बास्केटबॉल भी हम लोग खेलते थे, बट यहाँ पे काफी सारे ग्राउंड्स थे बट अभी वो लोगों ने क्लोज कर दिया एक्चुअली, जब भी कोविड आया था उसी टाइम से बंद कर दिया था। यहाँ पे वो मैं आता था क्रिकेट और ये सब कुछ खेलने। अच्छा है ना, लेकिन अभी तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है ना। सो गाइज यहाँ की मेरे को एक स्टोरी अभी ही याद आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। जब भी मैं 6th स्टैंडर्ड में था तभी यहाँ पे मेरे पास है ना लेदर बॉल्स जो खेलते हैं हम लोग क्रिकेट लाइक, सो इसकी पूरी किट थी एंड इकलौता मैं ही था इधर, तो मेरे पास एक किट थी। तो मैं यहाँ क्या करता था, सभी बच्चे को इकट्ठा करता था पहले एंड बाद में हम लोग खेलने जाते थे। एंड मेरे पास सब कुछ था लाइक पैड्स, हेलमेट और ये सभी चीज़ें थी मेरे पास एंड बॉल भी मैं काफ़ी सारे लेके आया था वो घर से ही। एंड यहाँ पे पहले ना इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी ये सब चीज़ों की, तो लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है ये सब कुछ देखने के। एंड काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आते थे वो उसके पेरेंट के साथ रहने के लिए, बिकॉज वो लोगों के भी पेरेंट्स यहाँ पे वर्क करते थे, तो मैं भी इनमें से एक ही था। एंड मेरे पास सब कुछ था बिकॉज मैं कैंप में भी जाता था क्रिकेट का, तो मेरे पास था, मैं सभी बच्चों को इकट्ठा करता था एंड मैं ही पहले बैटिंग करता था, बिकॉज सभी चीज़ें मेरी है, मेरी पैड, मेरी बैट्स एंड हेलमेट्स वगैरह सब कुछ मेरा होता था। मैं सबसे सबके पास बैटिंग लेता था पहले एंड आउट होने के बाद मैं भी वो लोगों को बैटिंग देता था। बट यहाँ पे मैं काफ़ी सारी मेरी मेमोरीज भी जुड़ी हुई है एंड जब भी मेरे को इधर पसंद नहीं आता था रहने का तो मैं टेरेस पे जाके काफ़ी होता था और यह सब कुछ भी करता था यहाँ से, बिकॉज यहाँ से नज़दीक ही है वैसे तो नवसारी, बट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसीलिए हम लोगों ने फिर से मूव कर लिया था जब भी जहाँ हम अभी रहते हैं।
ऐसी कुछ स्टोरी है। अभी तो आगे चलते हैं, अभी जा रहा हूँ मैं मम्मी लोगों के पास, वो लोग क्या कर रहे हैं वो देखता हूँ, एंड सभी फॉर्मेलिटीज वगैरह जब जो भी होती है फिर कंप्लीट करके निकल जाते हैं घर पे। सो गाइज अभी बज चुके हैं कुछ 5:30 एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वो सेरेमनी के लिए, जो रिटायरमेंट सेरेमनी है वो, एंड वो कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या रहता है। इसकी पहले ऐसी कुछ बिल्डिंग रहती थी यहाँ पे, एंड अभी कुछ ऐसी बना रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छे 2 BHK और 3 BHK का भी ऑप्शन रखा है वो लोगों ने, काफ़ी अच्छा रहता है ये। एंड पहले के टाइम में तो वैसे तो काफ़ी बेकार सी बिल्डिंग थी, क्योंकि ये कितने सालों पहले बिल्ड करी गई थी ना, इसीलिए। एंड अभी सब कुछ डेवलप चल रहा है, एंड अभी तो डेवलपिंग चालू है, देख सकते हैं आप आगे, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। सो गाइस यहाँ पे सब कुछ होने वाला है, सेरेमनी है, अभी आ चुके हैं हम लोग अंदर, एंड इधर कुछ ऐसा बनाया है हॉल टाइप, एंड यहाँ पे सभी लोगों की रिटायरमेंट सेरेमनी होती है। ओम, तेरा रिटायरमेंट है ना आज, तो मास्क किधर से लाया ऐसा? सो गाइज इट्स 7:00 इन द इवनिंग, एंड सब कुछ कंप्लीट हो गया सेरेमनी, एंड वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं था तो मैंने कुछ फोटोज लिए हैं, वो मैं ऑलरेडी डाल ही दिया होगा मैंने इधर, एंड आप लोगों ने थंबनेल और सब कुछ देख के पता लगा ही लिया होगा कि सेरेमनी कैसी रही होगी, एंड आई होप आप सबको सब कुछ पसंद आया होगा। एंड फिलहाल तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी डैड का, बिकॉज वो सब फ्रेंड्स को और ये सबको मिलने के लिए गए हैं, एंड अभी सामान पैक करते हैं कार में, बैग्स और ये सब, निकलते हैं घर पे, एंड रास्ते में ही डिनर करना पड़ेगा। बट ये मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल हो गया था अंदर, एंड मैंने शूट भी नहीं किया अच्छे से, बिकॉज मेरे को फ़ोटो भी क्लिक करने थे एंड वीडियोस अलाउड नहीं था अंदर, तो मैंने नहीं किया, एंड थोड़ी सी प्राइवेसी भी रखना ज़रूरी है। फिलहाल तो पार्क करी है ये कार हमारी यहाँ पे, मैं अभी लाइट में खड़ा हूँ इधर, एंड ये वीडियो अभी तो शूट कर रहा हूँ बिकॉज डैड गए हैं अंदर किसी को मिलने के लिए, और ये वो लोगों की पार्टी और सेरेमनी सब छोटी सी होगी फ्रेंड्स लोगों की, तो वो कंप्लीट करते हैं एंड चलते हैं घर पे, एंड रास्ते में डिनर करके निकल जाएंगे घर की तरफ। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से सब कुछ काम कंप्लीट करके, एंड अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स नवसारी, एंड फिलहाल तो हम लोग रुके हैं रास्ते में बिकॉज कुछ काम था, एंड अब किधर, कौन सी रेस्टोरेंट में जाना है तेरे को? चिकन खाने का है तेरे को? ओके इधर चलते हैं, तो अभी चलते हैं शीतल में, वहाँ रुकते हैं बिकॉज अभी तो है हम लोग हाईवे पे, एंड अभी वैसे ही थोड़ी सी ब्रेक ले ली तो मैंने सोचा कि वीडियो कंटिन्यू कर लो, तो मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, एंड मेरे डैड भी आ चुके हैं अभी, एंड चिकन विकन खा के निकल जाएंगे घर पे। घर पे आएगा ना? नहीं। किधर जाएगा? मामा के घर। ओके तो मिलते हैं डायरेक्ट उधर। क्या खा रहे हो? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। The next day. So guys, good morning and this is the next day. And कल हम लोग गए थे, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही है कि मेरे डैड की रिटायरमेंट सेरेमनी थी, एंड मेरे डैड का लास्ट डे था मेरे डैड की ड्यूटी पे। सो कल हम लोग गए थे वहाँ पे, काफ़ी एंजॉय भी किया, थोड़ा सा मोमेंट इमोशनल भी रहा, तो मैं कुछ अंदर तो शूट नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, एंड थोड़ा सा अंदर से फील आती है कि नहीं शूट करना चाहिए बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। सो ये गवर्नमेंट वालों की कुछ तो प्राइवेसी होती है कि वहाँ पे मैं शूट करूँ या ना करूँ, मेरे को दो माइंड हो रहे थे, बट मैंने फोटो और ये सब कुछ क्लिक कर लिया वहाँ पे, तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। एंड गाइस अभी बात करते हैं हम लोग मेरे डैड की, जो मेरे डैड कुछ 35 ईयर्स वहाँ पे वर्क करी मेरे डैड ने, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, एंड कल काफ़ी सारी तारीफ भी की गई मेरे डैड की, एंड मैं गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे डैड ने 30 या 35 ईयर्स में आज तक सामने से कोई भी गवर्नमेंट से रजा नहीं मांगी, यानी कि घर आने के लिए, बिकॉज मैं जब तक से पैदा हुआ हूँ, लाइक मैं अभी 26 ईयर का हूँ, एंड मैंने आज तक देखा मेरे डैड ने सिर्फ 2 ही दिवाली सेलिब्रेट करी थी हमारे साथ। तो काफ़ी ईमानदारी से मेरे डैड ने ड्यूटी निभाई, इनकी इनके बदौलत ही सब कुछ है, ये सब कुछ कार और ये सब कुछ, एंड ऊपर वाले का आशीर्वाद तो है ही। सो गाइस कल तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो चुका था वहाँ पे, एंड काफ़ी एंजॉयमेंट भी किया वैसे तो हम लोग ने। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये वीडियो, एंड आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, एंड आप लोग भी
हमारे साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाए तो हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय। एंड गाइस, आप लोग भी मेरे डैड को वीडियोस में देखना चाहते हैं एंड इनकी स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं मेरे डैड को वीडियो में डेफिनेटली लाऊंगा। बिकॉज आने वाले काफी रोड ट्रिप्स में मेरे डैड भी मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं डेफिनेटली, बिकॉज अभी तो रिटायरमेंट है हो चुकी है डैड की, तो डैड भी घर पे ही है तो हम दोनों साथ में ही ट्रिप करेंगे। बिकॉज मेरे डैड काफी फ्रेंडली नेचर के हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, मेरे को भी ऐसा ही फील होता है कि मेरे दोस्त के साथ ही मैं घूम रहा हूँ, तो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है डैड के साथ जाने में। तो हम लोग डेफिनेटली ट्रिप भी करेंगे आने वाले टाइम में, वो तो आप लोग देख ही लोगे। एंड आप लोग भी चाहते हैं मेरे डैड मेरे साथ ट्रैवल करें, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी ट्रैवल करें, तो मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं गाइस दूसरी नई वीडियो पर, टिल देन बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, साइनिंग ऑफ वेंडरिंग लायन।